हेलो स्टूडेंट्स, एवीएन नॉलेज में आपका स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की पिछले दो वीडियो में हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा वीडियो है वो एडजेक्टिव पर है। एडजेक्टिव जो कि एक वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता स्पेशलाइजेशन को बताता है कि वो किस तरीके का है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, आई लिव इन दिस ब्यूटिफुल हाउस। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि हाउस जो है वो क्या है, एक नाउन है, और वो कैसा है, ब्यूटिफुल है। तो ब्यूटिफुल उसकी क्या हो गई है, एडजेक्टिव हो गई है, जो कि बता रहा है कि हाउस बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है। फॉर अदर एग्जाम्पल हम और भी चीज़ें ले सकते हैं, बैड, गुड, बेटर, ब्लैक, वाइट, ये सब क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। और इसी के आज हम टाइप्स को पढ़ेंगे जो कि आगे का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में कुछ बुक्स में आपको 6 टाइप मिलेंगे, कुछ में 7 और कुछ में 8। यहाँ पर मैंने आपको पूरे 8 एडजेक्टिव जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फर्स्ट एडजेक्टिव जो होता है वो होता है आपका एडजेक्ट ऑफ क्वालिटी, एज ए नेम शोन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटी बताएगा उस नाउन या प्रोनाउन की जिसमें वो शामिल होगा। क्वालिटी बताएगा नाउन या प्रोनाउन की, क्वालिटी मतलब कि गुण, कोई भी गुण है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सेंटेंस में, शी हैज़ ब्राउन आइज। ब्राउन आइज, ये जो ब्राउन है वो उसकी आइज की, ये जो ब्राउन वर्ड है वो आइज की क्वालिटी है कि उसकी आइज जो है वो कैसी है, ब्राउन है। तो ये आपका कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो भी क्वालिटी में वर्ड आएंगे वो आपको क्या बताएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताएंगे। इसी तरीके से सेकंड जो एडजेक्टिव है वो है आपका एडजेक्ट ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जिसमें वो आपको क्वांटिटी बताएगा, उसमें आपको किसी भी तरीके की नंबर्स नहीं, सिर्फ क्वांटिटी पता चलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेंटेंस, देयर इज लिटिल मिल्क। मिल्क की हम क्वांटिटी बता सकते हैं, हम उसके नंबर नहीं बता सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हमने जो लिटिल वर्ड लिखा है वो उसकी क्वांटिटी बता रहा है। लिटिल, फ्यू, सम, ये सब क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन की क्या बताते हैं आपको, क्वांटिटी बताते हैं। थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी के बारे में पता चला, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में ऑब्वियसली बात है वो आपको नंबर के बारे में बताएगा जिसको आप काउंट कर सकते हो। तो 2, 3 जो भी आपके नंबर होंगे वो आपके किस में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का डिफरेंट होगा। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें आप नाउन या प्रोनाउन के नंबर्स के बारे में बताओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा फ्यू, सम, ये आपके किससे बिलोंग करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से बिलोंग करते हैं, जिसमें आप हाउ मैनी को आंसर करोगे, और जबकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हाउ मच को आंसर करोगे। फोर्थ पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसमें ईच, एवरी, इधर, ऑल, इनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बिलोंग टू प्रॉपर प्रोनाउन। प्रॉपर प्रोनाउन में पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव में जो हम पढ़ेंगे वो नाउन और प्रोनाउन के प्रॉपर प्रोनाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा माई फ्रेंड इज एन अमेरिकन। तो अमेरिकन जो यहाँ पर वर्ड है वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव में हमेशा जो एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। नेक्स्ट आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपके यूज़ होते हैं दिस, दैट, दीज, जो कि आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे। नेक्स्ट आता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में जो कि आपको नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं कि वो चीज़ किसकी है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका आंसर हूज से निकलेगा। तो यहाँ ने माई, योर, हिज, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। लास्ट आपका जो आता है वो आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंटरोगेटिव है, तो जितने भी आपके WH वर्ड वाले वर्ड होते हैं वो सारे आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। वॉट, वेयर,
वेन, ये आपके आते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एडजेक्टिव, जिसके मैंने आपको टाइप बताए। अलग अलग बुक में ये अलग अलग नंबर्स में होते हैं, लेकिन ये टोटल 8 मार्क्स के होते हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।